सेंधवा में आर्म्स एक्ट विस्फोटक अधिनियम और नागलवाड़ी में दर्ज अपराधों के करीब 10 माह से फरार आरोपी संजय यादव को वाहन चेकिंग के दौरान राजपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व में भी संजय यादव के सेंधवा दारू गोदाम स्थित घर से हाथ गोले, पिस्टल और कारतूस भारी मात्रा में पुलिस को बरामद किए थे। संजय यादव के ऊपर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित भी कर रखा है। वहीं जिला दंडाधिकारी द्वारा NSA का वारंट भी तामील करवाया गया था। पुलिस ने संजय यादव के साथ उसके साथी रामस्वरूप चौधरी को भी गिरफ्तार किया है। SP DR तेनीवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलासा किया है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। सेंधवा निवासी संजय पिता विष्णु प्रसाद यादव जो दारू गोदाम सेंधवा करने वाला था, यह मार्च 2019 से सेंधवा के एक विस्फोटक अधिनियम के प्रकरण में और नागरवाड़ी के आर्म्स एक्ट के प्रकरण में फरार था। यह आदतन अपराधी था और इसके विरुद्ध इसके पहले 47 अपराध जो है पंजीबद्ध हैं। 1991 से अपराध जगत में संलिप्त है और सभी प्रकार के इसके विरुद्ध लूट, आपके 307 के प्रकरण, अड़ीबाजी, ये सारे प्रकरण जो इसके ऊपर थे और ये कुंकारो आदतन अपराधी था। मार्च से फरार था। पुलिस सेंधवा को और बड़वानी पुलिस को मार्च 2019 से लगातार तलाश थी लेकिन दस्तयाब नहीं हो रहा था विगत दिनों, इसलिए इसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और बड़वानी पुलिस के द्वारा इसके विरुद्ध जो है NSA का जो है इसका सब पेश कर रखा था। तो अभी कुछ दिनों पूर्व जो है माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है NSA का वारंट जारी किया गया था। इस संजय यादव की तलाश के लिए हमने एक विशेष टीम गठित की। एडिशनल SP श्रीमती सुनीता रावत के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है और लगातार 2 माह के प्रयासों के उपरांत जहाँ जहाँ सूचना मिली निरंतर दबिश दी, महाराष्ट्र में भी दबिश दी, स्थानीय जहाँ जहाँ खबर मिली थी जिला बड़वानी में भी तलाश की थी। कल यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक I-20 गाड़ी में संजय यादव और उसका एक साथी रामस्वरूप चौधरी जुलवानिया से ये राजपुर की ओर आ रहे हैं। तो इस सूचना पर गाड़ी को उसको रोका गया, गाड़ी में मिला संजय यादव, उसका एक साथी मिला, तलाशी ली गई। तलाशी में इसके पास जो है 2 हथियार मिले, इसके और इसके साथी हथियार मिले, इसलिए इसके विरुद्ध और इसके साथी विरुद्ध आरोप सेट की कार्रवाई की गई है। और चूँकि NSA का वारंट इसमें तामील करना था, NSA का वारंट इसमें तामील किया। सर किसी पार्टी से बिलोंग था संजय यादव? पार्टी से पहले किस राजनीति में था लेकिन हाल ही में ऐसा स्पष्ट नहीं है किस पार्टी से बिलोंग, लेकिन जो खबर आ रही है कि यह भारतीय जनता पार्टी से समर्थित। सर कौन सा हथियार मिले थे? इसके पास जो हथियार मिला है एक देसी पिस्टल मिली है और इसके साथी पर एक कट्टा मिला है। कोई जिंदा कारतूस मिले? हाँ, जिंदा कारतूस मिला है और मैगजीन। हाँ, चूंकि हमारे पास एडिशनल SP के नेतृत्व में जो टीम थी इसका भी 15-20 पुलिस जवान साथ में थे, इसने जैसे गाड़ी रोकी तो उसने भागने का प्रयास किया था लेकिन हमारे पास पुलिस की सतर्कता से इसको पकड़ लिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।